हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंटेक्स क्वेश्चन 5.3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए लिखा है इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। तो आपको मॉलिकुलर इसका दिया हुआ है फॉर्मूला और आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसके कौन से आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड में, तो ये जो कंपाउंड है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इसके अलावा अलावा ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों करेगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्या होगा और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम, और वाटर एक यूनिडेंटेड है एंड ऑक्सलेट जो होता है वो डाइडेंटेड। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का। तो सबसे पहला आप हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो फॉर्म होते हैं, सिस एंड दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है ट्रांस। ओके, तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करें तो सेंट्रल एटम क्रोमियम को हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, क्रोमियम और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सिस एंड ट्रांस बनाने पहले आप ऐसा अरेंजमेंट आप बना लीजिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ऐसा ही होता है। अब अगर आपको सिस बनाना है ना, तो ओ एक्स ऑक्सलेट को कैसे डिनोट करते हैं, ओ एक्स से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या करना है आपको, अगर पहले सिस बनाना है तो ओ एक्स को यहाँ रख दिया, क्योंकि ये डाइडेंटेड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और एक ओ एक्स को यहाँ रख के ये बना दिया, और बाकी एच टू है तो एक एच टू यहाँ पर, एक एच टू यहाँ पर। तो ये जो आइसोमर बना वो सिस आइसोमर हुआ, और ट्रांस बनाना है तो एच टू ओ को अपोजिट डायरेक्शन, बाकी ओ एक्स यहाँ पे बना दीजिए और एक ओ एक्स यहाँ बना दीजिए। तो ये जो आइसोमर आपने बनाया वो है ट्रांस। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, और बाकी देखिए पोटेशियम जो लिखा हो उसको कैसे इंडिकेट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बना दीजिए और पोटेशियम को ऐसे बाहर दिखा दीजिए, दोनों में, सिस एंड ट्रांस दोनों में। तो पोटेशियम को बाहर आपको प्लस करके डिनोट कर देना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर का। तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी चेक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें बनाना है इसका ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के उसमें मिरर होते हैं, है ना, तो मिरर इमेज इसमें बनाना होता है। तो ये हो गया यहाँ पर मिरर। ठीक है, और इसमें भी आपको सिंपल सा क्रोमियम सेंट्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो पहले तो आप ऐसा अरेंजमेंट बना दीजिए। ठीक है, ऑप्टिकल बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पहले ये डिज़ाइन आप बना दीजिए। ओके, अब करना क्या है, जो आपने अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस बनाया था, सेम टू सेम यहाँ पर H2O और OX हमने यहाँ रख के ऐसे डिजाइन बनाया था, और एक OX यहाँ रख के ऐसा, और इसी का मिरर इमेज बना दीजिए। तो इसका मिरर इमेज कहाँ आएगा, H2O यहाँ पर, इसका H2O यहाँ पर, बाकी इसका जो OX बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पर OX कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इसका मिरर इमेज हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर हुआ। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इसको बोलते हैं लिवोरोटेटरी, जिसको L- से डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो को D+ से। तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें यहाँ पर COEN जो होता है ईथेन 1,2-diamine एक डाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो 6 है तो सेम कहानी, यहाँ पर पहले आप मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया मिरर, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट आपने लिख लिया।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेम टू सेम ऑक्टाहेड्रल आप स्ट्रक्चर बना लीजिए दो, ठीक है, कुछ इसी तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईएन कितने हैं, तीन हैं, तो तीन ईएन, क्योंकि ये एक डाइडेंटेट है, तो एक मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ये आपने ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया। और अब क्या करना है, इसी का मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज, तो ईएन का मिरर इमेज यहाँ पर आएगा, इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा और इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया डेक्स्ट्रो फॉर्म और यहाँ पर हो गया लियो फॉर्म, ठीक है। और बाकी जो क्लोरीन लिखा है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक ब्रैकेट बना दीजिए, Cl3 यहाँ रख दीजिए, सेम कहानी यहाँ पर Cl को 3 को बाहर रख दीजिए। तो ये इसका जो आइसोमर बना, ओके, तो ये आपका डेक्स्ट इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, इसमें NO2 दिख रहा है आपको एज अ लिगेंड, दैट मीन्स ये जो है एक एम्बिडेंट लिगेंड्स का एग्जांपल है। और आपको अगर लिगेंड्स में एम्बिडेंट लिगेंड दिख जाए, दैट मीन्स एक आइसोमर तो श्योर है, दैट इज लिंकेज आइसोमर। इसका जो लिंकेज आइसोमर आप बनाएंगे, पहला जो इसका बनेगा ए, दैट इज लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इस कंपाउंड का, तो एक तो आप सब पेयर में चलता है, जैसे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है NH3, वो कितना है 5, और यहाँ से है NO2, ओके, और काउंटर आयन में यहाँ पर बाहर कौन है NO3 नाइट्रेट आयन और ट्वाइस है, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं नाम लिखूँ, तो नाम इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंट अमाइन, ठीक है, पेंट अमाइन, और यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रीटो, और उसके बाद कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3, और बाहर काउंटर आयन कौन है नाइट्रेट, तो यहाँ से नाइट्रेट लिख देंगे, ठीक है। अब इसका आप लिंकेज आइसोमर जब बनाएंगे, तो लिंकेज आइसोमर क्या होगा, देखिए इसमें लिगेंड्स का ही जो एम्बिडेंट उसी को चेंज करना है, तो यहाँ से NH3 वो तो सेम टू सेम वही रहने वाला है, इसमें नाइट्रीटो एन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे ONO, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है, और बाकी जो काउंटर है उसको सेम टू सेम नाइट्रेट है, उसको ऐसे लिखना है। और अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात की जाए, तो इसका जो नाम आएगा IUPAC नेम क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा पेंट अमाइन, ठीक है, पेंट अमाइन, और लिगेंड से यहाँ पर है नाइट्रीटो, स्मॉल लेटर में लिखते हैं नाइट्रीटो, तो यहाँ से लिखेंगे नाइट्रीटो एन, और उसके बाद आएगा कोबाल्ट 3, और बाहर काउंटर आयन कौन है नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, लिंकेज आइसोमर, ओके। और दूसरा इसमें जो बनाने वाला है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा जो पॉसिबिलिटी बना, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी ये फॉर्म करेगा। और आयोनाइजेशन आइसोमर अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, जो काउंटर आयन है वो लिगेंड से एक्सचेंज करते हैं, जैसे इसमें कोबाल्ट NH3 टोटल कितना है 5, और यहाँ पर NO2 एज ए लिगेंड्स है, और बाहर कौन है काउंटर आयन नाइट्रेट आयन। इसका जब लिंकेज आइसोमर बनाएंगे, तो सेंट्रल एटम ऐसे ही NH3 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, और नाइट्राइट जो नाइट्राइटो है ये NO2 को इसको काउंटर, और एक नाइट्रेट आयन को आप अंदर ले लीजिए, ठीक है, और एक NO2 बाहर होगा और एक NO3 बाहर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए NO3 जो है वो 2 है, तो एक अंदर अगर लेकर आओगे NO2 को आपको बाहर लेना होगा, है ना। तो ये इस तरह का जो आइसोमर होते हैं वो कौन से होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो चलिए देखते हैं जो फोर्थ पार्ट दिया है, फोर्थ में सेंटर एटम प्लेटिनम है NH3 और H2O2 क्लोरीन दिया है, तो इस तरह का जो आइसोमर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन सा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें कौन सा आएगा, सिस आएगा एंड ट्रांस आएगा। अब इसका सिस एंड ट्रांस कैसे बनाएं, देखिए प्लेटिनम सेंट्रल एटम है और चार कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर प्लेनेटरी टाइप का ज्योमेट्री होगा, दोनों क्लोरीन को अगर एक साइड रख देते हैं, है ना, और NH3 को यहाँ और H2O को यहाँ, इस तरह का जो आइसोमर बनता है सिस, और अगर इसका ट्रांस बनाना है तो दोनों जो सेम एटम उनको डायगनली अपोजिट रख दीजिए, Cl यहाँ पर
और एन एस थ्री को यहाँ पर और एच टू ओ को यहाँ पर, तो ये जो बना इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ओके, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर लास्ट वाला फॉर्म होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कंपाउंड दिया है और चेक करना है कि किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इंटेक्स का 5.4 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, गिव एविडेंस दैट, आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और इनको प्रूफ करना है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखा है, देखिए पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है, व्हेन आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, कोई भी आयोनाइजेशन आइसोमर को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो दे आयोनाइज टू गिव डिफरेंट आयंस एंड दीज आयन रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट रिएजेंट टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन आपको क्या लिखना है। सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि अगर हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिया, तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सेंट्रल एटम कोबाल्ट है और एन एस थ्री, टोटल कितने हैं 5 अमाइंस हैं लिगेंड्स, और यहाँ पे क्लोरीन है और काउंटर आयन यहाँ पर है सल्फेट आयन। ओके, और अगर इसको मैंने बेरियम प्लस 2 आयन से रिएक्शन कराया, ओके, तो ये क्या करता है, बेरियम सल्फेट आयन से रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये एक पीपीटी फॉर्म करता है और इसका जो कलर होता है वो वाइट पीपीटी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, सेम टू सेम इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है, हमने फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और इसको अगर मैंने सिल्वर आयन से रिएक्ट कराया, ठीक है, ए जी प्लस से, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। तो सिंपल सी बात है, बेरियम है सल्फेट पे माइनस टू है, तो आप ऐसे भी आस कर सकते हो कि भाई बेरियम से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, बट यहाँ पर सिल्वर प्लस है और सल्फेट पे माइनस टू होता है जिससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट रिएजेंट के साथ डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसी तरह से जो दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ठीक है, उसको लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या दिया है, दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, है ना, सेम एन एस थ्री, टोटल कितने हैं 5, और यहाँ से सल्फेट आयन है लिगेंड्स और सी एल बाहर है। अब अगर मैंने इसको ए जी प्लस से रिएक्शन कराया तो यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, ए जी सी एल से रिएक्ट करके ए जी सी एल बनाएगा जो कि एक पी पी टी है और ये भी कलर होता है वाइट कलर का। बट अगर इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, सेम टू सेम यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, और इसको इस बार मैंने अगर बेरियम प्लस 2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो यहाँ से कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, नो रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर सी एल ए जी के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिट बना रहा है और पहले वाले में हमने बेरियम सल्फेट पे 2 है तो उससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में तो आपको ये रिएक्शन के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।